जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिहार पुलिस फायरमैन भर्ती 2021 के बारे में, जो कि आपकी रिसेंटली जारी की गई है और जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ जिससे कि आप इसके बारे में कंप्लीट जानकारी जान पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो, आप देख सकते हो बिहार फायर सर्विसेज का ऑप्शन है, इनकी सीएसबीसी की ऑफिशियल वेबसाइट में आप देखोगे कि 22 फरवरी के अंदर यहां पर इस भर्ती का जो अनाउंसमेंट है वो किया गया। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहां पर आपका पीडीएफ आ जाएगा, जो कि आपका ऑफिशियल पीडीएफ है, जहां पर आप देख सकते हो कि आपकी जो भर्ती निकाली है ये आपकी 2380 पद पर निकाली है, जिस पर आपको लेवल 3 की सैलरी जो कि 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों जो आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स है उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहां पर 24 फरवरी 2021 फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर सकते हो। और अभी यहां पर जो आपकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप की, वो इन्होंने मेंशन नहीं की है। जैसे ही आपको डेट आएगी वो आपको टाइम टू टाइम मालूम हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आपकी एलिजिबिलिटी के बारे में कि कौन लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो यहां पर आपका इंडियन होना जरूरी है। इसी के साथ दोस्तों बात करें क्वालिफिकेशन की कि क्या क्वालिफिकेशन होने से आप अप्लाई कर पाओगे। तो यहां पर दोस्तों आपको बोला है कि आपके पास 12वीं पास यानी कि इंटरमीडिएट होना जरूरी है और जो आपकी 12वीं है वो आपने 1/8/2020 तक कंप्लीट कर ली हो, यानी कि अगर आपकी 12वीं 1/8/2020 के बाद में कंप्लीट हुई है तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। और यहां पर आपको अन्य विकल्प यह भी दिया कि अगर 12वीं नहीं है तो बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी सहित प्रमाण पत्र, यानी कि अगर आपके पास 12वीं नहीं है, आपके पास ये वाली क्वालिफिकेशन है इन बोर्ड से, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर ये भी नहीं है तो आपको बोला है कि अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से घर बैठे। और जो आप यहां पर अन्य फीचर देख पा रहे हो, बेसिकली आपको इन सभी फीचर्स का फायदा अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से इसको ज्वाइन कर लीजिए। और यहां पर ज्वाइन करते वक्त आपको मेरे कोड GDS10 का इस्तेमाल कर लेना, इसको इस्तेमाल करने पर आपको तुरंत 10% की छूट मिल जाएगी। और दोस्तों अकेडमी यहां पर आपके लिए लेकर क्या है, पृथ्वी कंप्लीट एनडीए बैच कोर्स फॉर 2021, जिसकी जो बैच है वो आपकी 22 फरवरी 2021 से स्टार्ट होकर के 5 अप्रैल 2021 तक चलने वाली है, जहां पर आपको इन एजुकेटर के द्वारा इन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराई जाएगी और इनके पास काफी सालों का एक्सपीरियंस है अपने अपने फील्ड के अंदर। और यहां पर आपकी लक्ष्य बैच भी आई है, जो कि एनडीए 2 2021 कंप्लीट बैच कोर्स है। इसमें यहां पर जो आपकी बैच है वो आपकी 25 फरवरी से स्टार्ट होकर के 1 सितंबर 2021 तक चलने वाली है, जहां पर आपको इन एजुकेटर के द्वारा आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको ये प्लान लेना है तो आप एनडीए एयरफोर्स एक्स एंड वाई नेवी का प्लान चूज करके यहां से आज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करते वक्त मेरे कोड GDS10 का इस्तेमाल कर लेना, इसको इस्तेमाल करने पर आपको तुरंत 10% की छूट मिल जाएगी। तो ज्वाइन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए, जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता होगी, यानी कि उसके बराबर अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन भी होगी तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। नॉर्मली बात की जाए तो इसमें 12वीं पास आपका होना जरूरी है। फिर आती है दोस्तों यहां पर आपकी एज लिमिट, यानी कि इसमें अप्लाई करने के लिए क्या एज आपकी रखी गई है। तो यहां पर जो आपकी एज है वो आपकी 10वीं की जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग काउंट की जाएगी। और जो आपकी एज लिमिट का एज जोन है ये भी आपका 1/8/2020 तक ही है, यानी कि इसके पहले आपकी कम उम्र भी नहीं होनी चाहिए और उसके बाद आपकी उम्र ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। इसमें यहां पर कैटेगरी वाइज आपको एज लिमिट के बारे में बताया, जो जनरल कैंडिडेट है उनमें मेल कैंडिडेट के लिए उम्र कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल रखी गई है। फिर जो पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, इनमें मेल कैंडिडेट के लिए 18 साल मिनिमम और मैक्सिमम 27 साल रखी गई है। फिर यहां पर जो पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, इसमें यहां पर दोस्तों जो आपकी एज लिमिट है फीमेल के लिए वो आपकी 18 से 28 साल के बीच रखी गई है, यानी कि फीमेल के लिए। इसके अलावा यहां पर जो आपकी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है, इनमें मेल और फीमेल के लिए जो एज लिमिट रखी है वो आपकी 18 से 30 साल के बीच रखी गई है, यानी कि मेल भी और फीमेल के लिए भी दोनों यहां पर जो एज लिमिट है वो सेम रखी गई है। तो ये जानकारी आपने यहां पर जान ली है। अब बात आती है आपकी अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड। तो यहां पर बोला है कि ऊंचाई सीना और वजन के लिए कोई अंक देना, यानी कि इसके लिए आपको कोई नंबर नहीं दिए जाएंगे। ऊंचाई की बात करें तो यहां पर जो आपकी
जनरल कैंडिडेट है और पिछड़ा वर्ग है मेल में, उनके लिए कम से कम हाइट 165 सेंटीमीटर रखी है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए हाइट कम से कम 160 सेंटीमीटर रखी है, और जो एस सी एस टी कैंडिडेट है मेल के, उनके लिए यहाँ पर हाइट 160 सेंटीमीटर रखी गई है, और जो सभी वर्गों की फीमेल है उनके लिए हाइट कम से कम 155 सेंटीमीटर रखी गई है। फिर आता है आपका चेस्ट, जो कि सिर्फ मेल कैंडिडेट से उसका माप लिया जाएगा, फीमेल से नहीं लिया जाएगा। इसमें जो आपकी सामान्य है और पिछड़ा वर्ग है मेल के, इनमें चेस्ट आपकी बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुला करके 86 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए, जहां पर 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो मेल कैंडिडेट है इनके लिए भी जो चेस्ट है वो सेम रखी गई है, और यहां पर जो आपकी एस सी एस टी कैटेगरी है मेल की, इसमें आपकी जो चेस्ट है वो बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुला करके 84 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए, और 5 सेंटीमीटर का फुलाव यहां पर भी जरूरी है। तो जो जनरल कैंडिडेट है उनके मुकाबले एस सी एस टी को यहां पर 2% की छूट चेस्ट के अंदर दी गई है। 4 पॉइंट में आपको बोल दिया कि महिलाओं के लिए सीने का माप नहीं होगा, यानी कि उनके चेस्ट का माप नहीं लिया जाएगा, बट यहां पर जो फीमेल कैंडिडेट है इनमें सभी उम्मीदवारों का वजन, जो कि सभी कैटेगरी की फीमेल है, कम से कम 48 किलोग्राम होना जरूरी है। इसके बाद दोस्तों बात आती है आपकी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो जो आपका सिलेक्शन है ये आपका प्रथम चरण, यानी कि सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी, और इसका जो एग्जाम पैटर्न है उसको लेकर के मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको डिटेल्ड में जानकारी दूंगा। वैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपकी जो एग्जाम होगा ये 100 अंकों के लिए रहेगा। इसके बाद आपका प्रश्न पत्र 2 है, जो कि आपका 2 घंटे के 1 प्रश्न पत्र में, यानी कि आपका पेपर 2 घंटे का रहेगा, उसमें आपका कुल 100 वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए एक नंबर दिया जाएगा। नीचे आपको सिलेबस की जानकारी भी दी गई है। अब यहाँ पर दोस्तों आता है आपका द्वितीय चरण शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा। इसमें यहाँ पर दोस्तों आपकी दौड़ होगी, जिसके लिए आपको अधिकतम 50 अंक दिए जाएंगे। ये यहाँ पर जो कैंडिडेट 5 मिनट से कम में इसको पूरी करेंगे उन्हीं को यहाँ पर 50 अंक पूरे मिलेंगे, और ये हाइट आपकी ये दौड़ आपकी 1600 मीटर की होने वाली है। अधिकतम 6 मिनट आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक जो कैंडिडेट रेस पूरी कर लेगा उनको 40 नंबर दिए जाएंगे। 5 मिनट से 20 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकंड तक जिसकी रेस पूरी होगी उनको यहाँ पर 30 नंबर इस प्रकार से दिए जाएंगे। और यहाँ पर आपका फिर जो गोला फेंक है ये भी होगा, इसमें भी आपको आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ही नंबर दिए जाएंगे। जो जिनकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी इस दिए गए स्केड्यूल के अकॉर्डिंग, उनको यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग ये नंबर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो यहाँ पर आपने ये जानकारी जानी है। साथ ही आपके यहाँ पर ऊँची कूद भी होने वाले, जिसके लिए आपको 25 नंबर दिए जाएंगे। 4 फीट पर 13 अंक, 4 फीट 4 इंच पर 17, और इस प्रकार से आपकी ये जो अंकों का एक बंटवारा है वो आपके लिए यहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग किया गया है। फिर दोस्तों आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो लगेगी, उसके बारे में भी आपने जानकारी जान ली है। यहाँ पर दोस्तों आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसी के बारे में बताया कि किस कैटेगरी के लिए कितने पद रखे गए हैं, और वो जानकारी आप अच्छे से यहाँ पर कंफर्म कर सकते हो। तो ये जानकारी तो आपने यहाँ पर जानी है इसके बारे में। अब बात करें आपके एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो जो आपकी एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो यहाँ पर अनरिजर्व्ड बीसी एंड ईबीसी बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए 450 रुपये रखी गई है, और जो एससी एसटी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट है इनके लिए 112 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई है, जो कि जानकारी आप यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन से रीड करके कंफर्म भी कर सकते हो। तो यहां पर दोस्तों आपने इस भर्ती के बारे में सभी जरूरी जानकारी जान ली है। अब आई होप आपके मन में कोई डाउट कोई सवाल नहीं रहा होगा, अगर है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और ये थी आपकी बिहार पुलिस फायरमैन भर्ती 2021 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, अगर आई है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।